खरगोन जिले के बड़वा में एसिड से भरे टैंकर के केबिन में अचानक आग लग गई, जिसमें अफरा तफरी मच गई। वहीं स्थानीय लोगों ने संसाधन जुटाकर आग पर काबू पाया और इसमें एक बड़ा हादसा टल गया। हम आपको बता दें कि पंजाब पेट्रोल पंप के समीप हुई इस घटना में लोगों में दहशत फैल गई और यातायात तकरीबन एक घंटे तक बंद रहा। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने से एक घंटे बाद फायर फाइटर मौके पर पहुंचा और जब तक आग पर काबू पा लिया गया था। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पता चला कि वहाँ पर रास्ते पर टैंकर में आग लगी हुई है, तो हम सब दौड़ कर आए और सामने फैक्ट्री से पानी के लिए पाइप लिया, व्यवस्था करी और फिर आग बुझाने की कोशिश करी और एकदम से टायर ब्लास्ट हुआ, तो एक बार तो हम हिम्मत ही हार गए और उसके बाद फिर हिम्मत करके उसको बुझाने लगे और आसपास के लोगों ने भी मदद की। टैंकर में आग कैसे लगी पता नहीं, अचानक ही गाड़ी में आग। फायर ब्रिगेड को फोन लगा दिया था आपने? हाँ, कितनी देर बाद आया? आधे एक घंटे बाद आया। पूरी आग बुझने के बाद में आया आग, हमने पाइपलाइन में पड़ोस से पाइपलाइन ली, पाइपलाइन लेके हमारे सहयोग से बुझे, उसके बाद फायर ब्रिगेड पूरी आग पे काबू पा लिया था, उसके बाद में फायर ब्रिगेड आया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।